वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिसेस शैला अकबर है। कहाँ से तशरीफ लाई हैं आप? मैं रामपुर से आई हूँ। फर्स्ट टाइम आई हैं रात से? सेकंड टाइम? नहीं, ये मेरी दूसरी बार ही है जो मैं आई हूँ, और मुझे राहत का ये टूर इतना अच्छा लगा है, इस वजह से ही मैं दूसरी बार आई हूँ। एक तो ये है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंस है, सब काम घर पे ही डोर स्टेप पर हो जाता है, सारी चीज़ें आराम से मिल गई हमें, दुआओं की किताब, लगेज, सब कुछ, और सारा हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा। यहाँ पर जो इंतज़ाम है रहने का, रिहाइश का, खाने पीने का, वो सब बहुत अच्छा लगा। फिर ज़्यारत भी सही से करवाते हैं अच्छे से। बस मैं चाहती हूँ कि ज़्यारत जब करवाएं तो थोड़े से स्टॉपेजेस और बढ़ा दें, और हमें थोड़ा सा उतरने का टाइम दें, रुकने का टाइम दें। बाकी मुझे मेन्यू प्लानिंग बहुत अच्छी लगी यहाँ की, हमेशा डिफरेंट होती है, कभी रिपीटिशन नहीं होता, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, इससे मज़ा आता है खाने में, वैरायटी बहुत होती है, सबके पसंद का नापसंद का भी ध्यान रखा जाता है। अगर किसी को कोई चीज़ स्पेशल चाहिए, जैसे कोई फ्रूट है या कोई सैलड में कोई चीज़ चाहिए, तो वो भी प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब मना नहीं करते, फौरन दे देते हैं वो लोग। तो जाके बताएंगे राहत के बारे में लोगों को? जी हाँ, मैं बताऊँगी, क्योंकि जो भी हमसे वहाँ पर पूछता है, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे कज़न्स हैं जो कि अभी उन्होंने उमरा नहीं कराया, तो वो बहुत हमसे पूछते हैं, उन्होंने हमसे एड्रेसेस भी लिए हैं। बल्कि मेरे जो वालिद हैं वो तो दिल्ली में रहते हैं, और मेरा जो भाई है वो तो खुद दिल्ली में रहता है, बट उसने सब कुछ राहत से रामपुर से ही करवाया, उसके पास टाइम ही नहीं, तो वो लोग कहते हैं हम आप ही के ज़रिए सब रामपुर से करवाएंगे राहत से ही। तो मैंने कहा कि, और हमने अपने भाई का भी करवा कर दिया, तो अब हम भी रेडी, और हमारे और कज़न्स भी हैं, वो लोग भी इसी के ज़रिए जाएंगे राहत के ज़रिए। दुआ कीजिए राहत के लिए। जी बिल्कुल, अब इंशाल्लाह और लोग भी आएंगे यहीं से राहत से।